हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 एमसीक्यू क्विज़ के बारे में। ये सभी के सभी जो क्विज़ ये क्वेश्चंस जितने भी होंगे ये सब डिपेंड होंगे आपके करंट अफेयर्स से जो भी हाल ही में घटित हुआ है, और कई बार ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अब पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लिख लीजिए 1 से 10 तक की काउंटिंग अपने पेपर पर, और पेन को लेके बैठिए। जो भी आपका ऑप्शन बनता है उसके सामने लिखिए, फर्स्ट तो फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड, जो भी आपका स्कोर बनता है मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 120 क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो DBS रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017 और 2018 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर डैश के आसपास होने की संभावना है, कितना परसेंट? ये परसेंटेज हमसे पूछ रहा है। 7.3%, 6.6%, 6.8%, 7.8%, 6.9%। तो 121 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, 6.8। देखिए इतना टाइम जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इतना इनफ है अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम बचेगा, तो इसलिए आपको क्या करना है कि स्पीड में क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, और ऑप्शंस जो आपके सामने होते हैं 1, 2, 3, 4 आपको ये नहीं देखना है, ABCD आपको उसको इग्नोर मारना है, डायरेक्ट केवल ऑप्शंस रीड करिए। ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे ना कि आपका 2-2 सेकंड बच के आपका एक मिनट 2 मिनट तैयार हो जाएगा, और उस मिनट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी और क्वेश्चंस में, जैसे मैथ के क्वेश्चंस में, रीजनिंग के क्वेश्चंस में, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी होती है ना उसको टाइम कम बचता है एग्ज़ाम में, ऐसा देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 122, इंडसइंड बैंक ने ग्रामीण इलाकों में कम आय वाले महिला उधारकर्ताओं को सेवा देने के लिए डैश से $200 मिलियन लगभग 1282 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त किया है। पहला ऑप्शन है NDB, ADB, AIIB, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक। देखिए बात कर रहा है वो इंडसइंड बैंक की, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये शायद आपको पता भी होगा क्योंकि न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो देखिए 120 का राइट आंसर है आपके सामने सेकंड, ADB। ADB की फुल फॉर्म क्या आपको पता है? अगर पता है तो इसका भी मुझे फिर फुल फॉर्म एक काम करना, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। क्वेश्चन नंबर 123 है कि किस बैंक के साथ अमेजॉन ने विक्रेताओं को माइक्रो ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? उस बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, यूनाइटेड बैंक या फिर यूनियन बैंक। 123 राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा। 124 डैश की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की संभावना है, DBS, विश्व बैंक, नोमूरा, HSBC या फिर ADB। तो 124 का राइट आंसर आपका 4, HSBC। क्वेश्चन नंबर 125, किस बैंक ने चीन, भारत और रूस में स्थायी विकास परियोजना के लिए 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो बैंक का नाम क्या है? ADB, AIIB, NDB, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक, सोचिए। बस बहुत सोच लिया, 125 का राइट आंसर है आपका थर्ड, NDB। 126 है, केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और डैश के बीच औद्योगिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के लिए $40 मिलियन का निवेश करने के लिए समझौता किया है, फर्स्ट इज़राइल, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। 126 राइट आंसर है इसका फर्स्ट, इज़राइल। 127 गृह मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का पदभार किसने संभाला? हसनुख अधिया, राजीव गाबा, राजीव महरिषि,
एलसी गोयल, अशोक लवाशा। तो 127 राइट आंसर, सेकंड राजीव गाबा। देखिए साइप्रस में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रणजीत सिन्हा, आलोक वर्मा, संत सिंह, आर के राघवन, अश्वनी कुमार। 128 राइट आंसर होगा इसका 4, आर के राघवन। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। झारखंड से पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? समुराई टेटे, नवजोत कौर, मोनिका मलिक, पूनम रानी। 129 राइट आंसर फर्स्ट, समुराई टेटे। 130 भारत और रिक्त स्थान में हमको एक देश का नाम भरना है ने रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग सहित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, वो कौन सा देश है? जापान, इजराइल, रूस, चीन या फिर स्विट्जरलैंड। 130 राइट आंसर होगा इसका 5, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है, ये थे 10 क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है पढ़ाई से संबंधित वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। जैसे ही मैं व्हाट्सअप देखता हूँ आपको रिप्लाई पक्का करूँगा। अगर आपको टाइपिंग में दिक्कत है तो हिंदी में आप बोल के अपनी ऑडियो फाइल इस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। और कॉल के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा 1 PM to 3 PM के बीच में एवरी सैटरडे। उससे पहले अगर आप कॉल करते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं, तब भी मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी हैं, इसके अलावा उन सबको पूरी करने के लिए मुझे टाइम देना पड़ता है, जैसे कि मेरी जॉब। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से, बट पेटीएम के बाद में आप मुझे भेजेंगे व्हाट्सअप अपना फ़ोटो, अपना नेम, अपनी डोनेशंस राशि और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन जो भी होगा आपका वो किसी ना किसी वीडियो में आपकी फ़ोटो के साथ में डिस्क्लोज करूँगा उस चीज़ को कि इस पर्सन ने इतना अमाउंट डोनेट करा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत ही पेटीएम से हम अर्निंग करते हैं, तो सबको पता चलना चाहिए कि पेटीएम से एक्चुअली अर्निंग होती कितनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे मेरी अर्निंग क्या है, तो इससे पहले ही मैं हर चीज़ क्लियर करके चलूँगा आपको कि इस डेट में किसी ने इतना डोनेट करा है मुझको, ठीक है। तो फ्रेंड लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बस एक लास्ट फॉर्मेलिटी है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। अगर पिछले वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को देखिए, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वो सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो इसलिए बने रहिए इस चैनल के साथ में, लाता हूँ जल्द एक नए वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स।